हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा। आज आप गल करांगे एमओपी दे विच एमसीक्यूज दे नाल रिलेटेड वीडियो। पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी इस चैनल ते है। मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस जो एमओपी दा सब्जेक्ट है, ए प्लस वन लेवल ते कॉमर्स ते वोकेशनल दोनों स्टूडेंट्स लिए है। इस करके कॉमर्स ते वोकेशनल दोनों स्ट्रीम दे स्टूडेंट्स दे लिए वीडियो प्रैक्टिस सेशन दे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तुसी जदों भी किसी कॉन्सेप्ट की तैयारी कर लो तो स्टार्टिंग दे विच जो साढ़े आलमोस्ट 7-8-9 कॉन्सेप्ट्स ने बेसिकली उन्हां दे उत्ते बेस्ड ये वीडियो है। कॉन्सेप्ट की तैयारी करके फिर अपने आप नूं आओ चैक करिए कि असी एमसीक्यूज दे विच कित्थे हां। लेट्स मूव अहेड विद मी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। These days, no office can work properly. आजकल कोई भी दफ्तर सही तरह काम नहीं कर सकता। Four options are there, students. तुसी चारां चो कोई एक चुनना है। Without computer, without cell phone, without automation, all of the above. बिना computer तो, cell phone तो, automation तो बिना या ऊपर दिते सारे तो बिना कोई दफ्तर काम नहीं कर सकता। असी इस चार option चो कोई एक चीज सोचनी है। ये तुहाडा जवाब हो सकता है सही, सोच चुके होंगे, आओ अगे वधीए। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, ते तुसी ठीक होंगे मैनूं लगता है। बड़ा ईजी गोइंग क्वेश्चन सी, तुसी अपने स्कोर दे विच जे असी क्वेश्चन 2 दा मनिए तां 2 मार्क्स अज दे ऐड कर लो। आओ अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑफिस इज अ प्लेस वेयर बिजनेस। ऑफिस एक अजिहा स्थान है, दफ्तर एक अजिही जगह है जिथे व्यापार डैश। चार ऑप्शन ने अगेन, कॉन्ट एबल टू ऑपरेट, संचालन करन दे योग नहीं होंदा, बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड जिथे व्यापार दा लेन देन होंदा है, प्रोफेशनल सर्विसेज आर अवेलेबल जिथे व्यापार वालों पेशावर सेवावां उपलब्ध होंदियां ने। डी ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी, भावे दोनों का कंबीनेशन भी ऑप्शन हो सकता है। सोचो जरा, दफ्तर एक अजिही जगह है जिथे व्यापार डैश, इन्हां चों किहड़ा ऑप्शन हो सकता है? मेरे ख्याल तुसीं सोच चुके होंगे। यस स्टूडेंट्स, आंसर चेक करिए, आंसर इज बोथ बी एंड सी। यस, जिथे व्यापार का लेन देन होंगे तो व्यापार डिफरेंट टाइप पेशेवर सेवावान ने, प्रोफेशनल सर्विसिज ने उपलब्ध करवाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस, थोड़ा भी ठीक होएगा। 2 नंबर ऐड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी बिजनेस नीड सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर डैश। हरेक बिजनेस न कारोबार न कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की लोड डैश लई होंदी है। किस दे लिए जरूरत है बिजनेस नूं महत्वपूर्ण सूचना दी? सोचो ध्यान नाल। चार ऑप्शन ने साडे कोल अगेन, प्लानिंग योजनाबंदी, बी डिस्कशन चर्चा करन दे लिए, सी ट्रांजैक्शंस लेन देन, डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, इन्हां विचों कोई भी नहीं। सोचो इंफॉर्मेशन दी जरूरत बिजनेस नूं क्यों पैंदी है? सोचो, आई थिंक तुसी सोच चुके होंगे। आओ स्टूडेंट्स, आपां इहदे आंसर नूं चैक करिए की आंसर हो सकदा इहदा। यस, द राइट आंसर इज प्लानिंग, योजनाबंदी दे लई बिजनेस नूं महत्वपूर्ण सूचना दी जरूरत पैंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू सेव अ डॉक्यूमेंट ऑन अ कंप्यूटर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, प्लस वन लेवल ते। कंप्यूटर दे एक दस्तावेज नूं सुरक्षित करने लई किहड़ा विकल्प वरत्या जांदा है? तुहानूं सारयां नूं पता होगा, कीबोर्ड यूज करदे हो, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस जेड। मेरे ख्याल आसान क्वेश्चन है, ईजीली तुसीं जवाब दे चुके होंगे अपने मन च। आंसर चेक करिए, आंसर इज कंट्रोल प्लस एस। जो तुसी कंप्यूटर दे कीपैड नूं देख रहे हो, थे कंट्रोल नूं नाल दी नाल ओहदे नाल एस नूं प्रेस करदे हो तां ओह किसे भी डाकूमेंट नूं तुहाडे कंप्यूटर दे विच सेव करन दे लई यूज कीता जाण वाला ऑप्शन है इह। क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, एमएस आउटलुक कंसिस्ट विच लिंक्स अमंग फॉलोइंग। एमएस आउटलुक विच ओह किहड़े लिंक शामिल हुंदे हन इन्हां हेठां दित्तियां विचों? चार साडे कोल ऑप्शन ने अगेन। एम एस आउटलुक की है, मेरे ख्याल तुसी ये भी जानते होंगे, मैं तुहानू क्लीयर करूंगा। पहला तुसी सोचो फटाफट, जिन्ना ज्ञान तुसी इकट्ठा किया उहदे अनुसार आंसर की है। ए इनबॉक्स, बी टास्क, सी कैलेंडर, डी ऑल ऑफ द अबव। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक दे विच की किहड़े-किहड़े लिंक शामिल हो सकते हैं? ध्यान नाल सोचो। आंसर इज स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव। यस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है जिहड़ा, उस च तीनों ही ऑप्शन होंदे ने, इनबॉक्स, टास्क एंड कैलेंडर। आओ देखिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। दीज एरियाज आर इंक्लूडेड इन इट। इस दे विच की शामिल होंदा है? मेल,
कैलेंडर, पीपल, टास्क एंड नोट्स, ये सारा इहदा पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक दे सॉफ्टवेयर दा। क्लियर स्टूडेंट्स, आओ अगे वधीए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है ऑफिस एज द इंफॉर्मेशन सेंटर इज नोन एज, एक दफ्तर नू सूचना केंद्र दे वजो किस रूप च जाने जांदा है, एज ए कंट्रोल सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, सी मेमोरी सेंटर, डी सर्विस सेंटर। सोचो ध्यान नाल, एक दफ्तर नू इंफॉर्मेशन नू ऑफिस एज द इंफॉर्मेशन सेंटर सूचना केंद्र दे रूप च किस रूप नाल जाने जांदा है, इन्हां चो जिथे असीं सूचना नू कंट्रोल सूचना नू इकट्ठी करदे हां उस हिसाब नाल सोचो, चारां चो की ऑप्शन है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल तुसीं सोचो क्योंकि थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, सोचो ध्यान। आंसर यस, आंसर इज सी मेमोरी सेंटर, क्योंकि मेमोरी दे विच ही असीं चीज़ां नू स्टोर करदे हां, तां ऑफिस एज ए इंफॉर्मेशन इहनू किस रूप च जाणिआ जांदा है, एज ए मेमोरी सेंटर, जिवें दिमाग दे विच असीं अपनी मेमोरी सारा कुछ स्टोर करदे हां, इसे तरह ऑफिस दे विच जिहड़ी इंफॉर्मेशन है उहदा सेंटर की हो सकदा है उत्थे दा मेमोरी सेंटर, यस उहनू मेमोरी सेंटर दे रूप च जाणिआ जांदा है क्योंकि ऑफिस बहुत सारी इंफॉर्मेशन नू कंट्रोल कीती जांदी है, स्टोर कीती जांदी है। नेक्स्ट वन, सेवंथ क्वेश्चन, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ऑफिस प्रैक्टिसेस दीस डेज आर, अजकल दफ्तरी प्रैक्टिसेस विच हेठां लिखे नवे रुझान हन, किहड़े रुझान ने, चार ने, आईटी बेस्ड ऑफिस ने, बी पेपरलैस ऑफिस ने, सी मोबाइल ऑफिस ने, डी ऑल ऑफ द अबव, आईटी आधारित, पेपर रहित, मोबाइल दफ्तर या इन ए सारे। यस मेरे ख्याल आसान क्वेश्चन है, तुसीं ठीक सोच चुके हो, आओ आंसर चेक करिए, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अजकल जिहड़े मॉडर्न ऑफिस ने वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड भी ने, पेपर तो बिना भी चलते हैं सारा कुछ, मैक्सिमम चीज़ा जी सॉफ्ट कॉपी का आधारित हो गई, मोबाइल ऑफिस भी ने जोड़े मोबलाइज्ड भी होंगे ने एक जगह तो दूसरी जगह पर चलते हुए मोबल जोड़े जिमें वस्तुआ इधर उधर मूव कर दी, ऑफिस भी मूव कर लग गया, अज ऑफिस कार के भी है, अज ऑफिस जहाज के भी है, ऑफिस रेलवे के भी जाते हुए, तुम जिथे भी जा रहे हो मूव कर रहे हो, ऑफिस भी मोबाइल करते हैं एक दूसरी जगह के उत्ते। सो राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 8, ऑफिस मैनेजर मस्ट हैव द डैश ऑफ लीडिंग, और दफ्तर के प्रबंधक को अगवाही करन दी डैश होनी चाहिए है, की होनी चाहिए है, चार ऑप्शन ने, ए आर्ट, बी साइंस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज, कला होनी चाहिए है, विज्ञान होना चाहिए है, दोवें होने चाहिए ने, या इन्हों विचों कोई भी नहीं। मेरे ख्याल बड़ा सिंपल आंसर है, हैरान होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आओ आंसर चेक करिए, आंसर इज ए आर्ट, यस जिहड़ा दफ्तर प्रबंधक है उस को अगवाही करन दी, किसी दफ्तर नू लीड करन दी की होनी चाहिए है, कला होनी चाहिए है, समझ लग्या। अगला क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, अ डिक्टेटिंग मशीन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ डैश, जो एक डिक्टेटिंग मशीन है, निर्धारित करने वाली मशीन जरूर इहदा आ रहा पर असल च इहदा नाम डिक्टेटिंग मशीन ही रखी है असीं, डिक्टेटिंग मशीन की काम करती है, इरेजिंग द मैसेज, बी ऑप्शन रिकॉर्डिंग द मैसेज, सी ऑप्शन ट्रांसक्राइबिंग द मैसेज, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, की सुनेहे नू इरेज करती है, मिटाती है किसी मैसेज नू, मैसेज नू रिकॉर्ड करती है, सुनेहे नू रिकॉर्ड कर रही होंदी है, सुनेहे दा प्रतिलिपिकरण तैयार करती है, उहदा ट्रांसक्रिप्शन जिहड़ा तैयार करती है, डी ऑप्शन इज उत्ते दित्ते सारे। ये है तुहाडे सामने स्टूडेंट्स डिक्टेटिंग मशीन, जो ऑफिस दे विच यूज कीती जांदी है, जनरली बॉस द्वारा डिफरेंट टाइप की जो इंस्ट्रक्शन ने अपने जो कंसर्नड सबॉर्डिनेट्स ने उन्होंने देने के लिए। स्टूडेंट्स आंसर तुम सोच चुके, आओ आंसर चेक करिए, इसका ध्यान आंसर, इरेजिंग द मैसेज, रिकॉर्डिंग द मैसेज, ट्रांसक्राइबिंग द मैसेज, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर विच हैज नॉट रिटन हेयर, दैट इज डी इज द राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, IBM introduced the personal computer in dash year. IBM ने जो PC जिन्हों असी कहने हैं personal computer, वो किस साल दे विच introduce किया, उसकी खोज कदों की है, जो तो दुनिया दे विच personal computer आके उस तो बाद computer दी लाइन च क्रांति आ गई, वो केड़ा साल सी सोच के देखो, commerce दे student हो तुसी या vocation दे या दसवीं तक तुसी computer पढ़ चुके हो, IBM ने पर्सनल कंप्यूटर को किस साल में पेश किया, उसकी खोज कदों की थी, फोर ऑप्शन ने 1961, 1971, 1981, 1991। मेरे ख्याल तुम सोच चुके होंगे, ये पुराने टाइप जो साढ़े को कंप्यूटर होंगे जनरली यहोजे ने, बहुत सारे लोगों को अज भी शायद होंगे, ये थोड़े सामने मोनीटर है, CPU है, तो नाल ही कीबोर्ड है, ये आंसर इज यस, राइट ऑप्शन इज 1981। IBM अमेरिकन कंपनी है, USA दी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नाल रिलेटेड एक कंपनी, बेसिकली जिहड़े इहदे हार्डवेयर्स ने दुनिया भर दे विच प्रचलित ने,
फुल नेम इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद रखियो कई बार इस तरह का भी एमसीक्यू आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11th, इज द वर्ड ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन आर डैश फ्रॉम ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू, कि दफ्तर के दृष्टिकोण तो स्वचालन ते मशीनीकरण शब्द डैश हैं, सिनोनियम्स ने, नॉट सिनोनियम्स ने, यूज्ड इंटरचेंजेबली ने, नन ऑफ द अबव ने, कि सिनोनियम हैगे या सिनोनियम नहीं है, समानार्थी हैगे या समानार्थी नहीं, या अदला बदली वरत्या जा सकता है, दोनों ने एक दूजी थान से यूज कर सकते हैं, जिथे ऑटोमेशन है उथे मशीन मैकेनाइजेशन, जिथे मैकेनाइजेशन है उथे ऑटोमेशन, की यह जा पॉसिबल है, नन ऑफ द अबव या इन चो कोई भी ऑप्शन नहीं। स्टूडेंट सोचो जरा, जिस बच्चे नु ये पता है ऑटोमेशन दे मैकेनाइजेशन की हुंदी है, वो इसका आंसर इजीली जान चुका है। आओ आंसर चेक करिए, नॉट सिनोनियम्स ए समानार्थी नहीं हन, ध्यान रखियो सिनोनियम्स वर्ड नहीं हैगे, सिनोनियम्स नहीं हैगे, ध्यान रखियो ये समानार्थी नहीं हैगे बिल्कुल। ओके, ये दोनों अलग-अलग मीनिंग रखते ने। आओ देखिए आपा ऑटोमेशन ते जड़ी मैकेनाइजेशन है की है। एन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम इज अ टूल दैट इनेबल्स डाटा टू मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ऑन इट्स ओन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। दफ्तर दे ऑटोमेशन दा मतलब एक अजिहा सिस्टम है, एक अजे टूल्स ने जिहड़ा कि किसी भी डाटा नू, किसी भी इनफॉर्मेशन नू एक सिस्टम तो दूसरे सिस्टम दे विच बिना ह्यूमन इंटरवेंशन तो मूव करन दे लई हेल्पफुल हुंदा है, उहनू असीं ऑफिस ऑटोमेशन कहिंदे आं। जदों बस दूसरे पासे असीं मैकेनाइजेशन दी गल करिए, इट मीन्स द रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल ऑपरेशंस वेयर एवर पॉसिबल एंड वेयर यूजफुल। Mechanization of office is preferred mainly to improve the efficiency of work, save time, reduce clerical cost and ensure accuracy. ਜਦੋਂ ਕਿ mechanization ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨੋਰਮਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਟਾਈਮ ਬਚ ਸਕੇ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਵਰਕਸ ਵਿਦ ਅ ਡੈਸ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਫੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ। ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਡੈਸ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਯੈਸ, ਆਓ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ। ਯੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, जो राइट आंसर है इसका डी है। डी मीन्स टेलीफोन दे नाल ये काम करदी है। आओ इहदे बारे आपां समझ चुके होवांगे, फैक्स मशीन दा कनेक्शन एक्चुअली टेलीफोन बेस्ड होंदा है, जिस दे बेस ते फैक्स मशीन काम करदी है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਫਿਸ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਗੇਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ reduced physical labor, c option unemployment, d none of these. yes, ਲਗਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? reduced physical labor, ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ reduced physical labor। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟਿੰਗ ਚੋਇਸ ਆਫ ਆਫਿਸ ਮਸ਼ੀਨਸ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨੰਬਰ ਏ ਈਜ਼ੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਬੀ ਕੋਸਟ, ਸੀ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਡੀ ਓਨਲੀ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ? ਯੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਸਾਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਓਪਰੇਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਸਟ
मैटर करती है या नहीं, बेरोजगारी मैटर करती है या नहीं, या सिर्फ ए एंड बी। और चेक करिए ओनली ए एंड बी। ये ठीक है, मशीनीकरण नाल बेरोजगारी घटती है, पर जो असी मशीन की चॉइस करनी है उदों फैक्टर्स कहड़े इफेक्ट करते हैं, क्वेश्चन यह सी। तां दो चीज़ां बड़ी जरूरी ने कि उहदे नाल ओपरेशनल कैपेसिटी ईजी हुंदी है या नहीं, कोस्ट किन्नी मैटर करती है, यह फैक्टर ऑफिस मशीन नूं चॉइस करन दे लई इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी ए बी एक्स? पी ए बी एक्स की फुल फॉर्म की है? प्राइवेट और पर्सनल, ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, बी ऑप्शन इज पब्लिक ऑटो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, सी ऑप्शन इज पावर एड बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। पीबीएक्स का पूरा नाम की है स्टूडेंट्स, ध्यान नाल, फुल फॉर्म दसनी है सी, एब्रीवेटेड वर्ड है ये, सोच चुके होंगे। आंसर चेक करिए, आंसर इज ए ऑप्शन, प्राइवेट और पर्सनल ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। यस, ये हुंदा की है पीबीएक्स, ये ध्यान नाल समझो मेरी गल। बहुत सारिया संस्थावां जिहड़ियां आकार च वड्डियां हुंदियां ने, वो अपने पर्सनल विद इन इंस्टीट्यूट एक्सचेंज बना लैंदियां ने टैलीफोन कनेक्टिविटी दे लई। बहुत सारे टैलीफोन उस संस्था दे हुंदे ने, वो सारे दे सारे आपस इंटरकनेक्टेड हो जांदे ने पी ए बी एक्स दे थ्रू। पी ए बी एक्स ते पी बी एक्स लिटल बिट डिफरेंस रखदे ने। आओ स्टूडेंट्स थोड़ा अगे ते इस दे बारे आपां जानीए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी बी एक्स एंड पी बी ए एक्स? इमेज रिजल्ट फॉर व्हाट इज पी ए बी एक्स? द डिफरेंस बिटवीन पी बी एक्स एंड पी ए बी एक्स इज क्वाइट सिंपल। दोनों च मेन फर्क किदा लग रहा है, ध्यान नाल देखो, ए पी बी एक्स है नहीं, इतने ए है। इस गल समझने की जरूरत है, जे सानू ए का मतलब पता है अपने आप सानू डिफरेंस पता लग जाएगा। पी बी एक्स की फुल फॉर्म है प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, पी ए बी एक्स की फुल फॉर्म की है प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। फर्क किदा रह गया? ऑटोमेटिक का। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੀ ਏ ਬੀ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ ਬੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ। ਆਪਰੇਟਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ? ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਕੀਬੋਰਡ, ਪਲੌਟਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਂਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਕੀਬੋਰਡ। ਕੀਬੋਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਇਸ ਬੇਸਡ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਰੈਮ, ਰੋਮ, ਐਮ ਐਸ ਐਕਸਲ, ਏ ਐਲ ਯੂ, ਸੀ ਪੀ ਯੂ ਐਂਡ ਮਿਡੀ, ਐਮ ਆਈ ਡੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 10th ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਅਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀਜ਼, ਰੈਂਡਮ ਅਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ROM ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। MS Excel ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਲ, ਇੱਕ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ALU ਹੈ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜੀਕਲ ਯੂਨਿਟ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, PC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ CPU ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ALU ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜੀਕਲ ਯੂਨਿਟ। CPU ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ। ਮਿਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਇਟਸ ਅ ਵੇ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੈਟ ਮੇਕ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਊਂਡ। ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਡੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਮਿਡੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਕਸਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ PC ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਿਡੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18।
टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ डैश। सारी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना डैश का काम है। किसका काम है जी? कैश डिपार्टमेंट का, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट का, ऑल ऑफ द अबव। मेरे ख्याल तुम जानते होंगे रिकॉर्ड रखता है, रिकॉर्ड कौन रखता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। यस, जो लेखा विभाग है, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट पार्ट इज नोन एज। किसे एक संगठन दे विच काम नू वक वक हिस्सों विच वंडन नू डैश वजों जाना जाता है। किस जानते हैं असीं इहनूं? किसे संगठन नू, डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, काम नू ऑर्गेनाइजेशन नू डिवाइड कर देना अदर पार्ट्स दे विच, उसनू असीं की कहने हैं? स्टूडेंट क्वेश्चन ए है, काम नू डिवाइड कर देना, मतलब नॉट काम नू, मैं इत्थे जिहड़ी गल क्लीयर करदा क्वेश्चन दी लैंग्वेज समझो, विच इज क्वाइट कन्फ्यूजिंग। डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, किसे संगठन नू अदर हिस्सों च वंड देना। इत्थे काम नू नहीं है जो पंजाबी वर्ड दित्ता हुआ, संगठन नू वख वख हिस्सों च वंड देना, काम नू इत्थों कट दो क्योंकि यह कन्फ्यूज कर रहा है कॉन्सैप्ट नू, यह नहीं है। वंडन नू किस रूप च जाना जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन नू, जे असीं डिवाइड कर दीए? देर आर फोर ऑप्शन, सेंट्रलाइजेशन, समॉल पार्ट्स ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। सोचो जरा आंसर, मेरे ख्याल तुहानू क्लियर होना। जेकर असीं किसी संगठन नू अड्ड अड्ड हिस्सों च वंड दीए, उहनू असीं डिपार्टमेंटेशन कहिंदे आ, विभागीकरण। समझ लग्या? विभागकरण, विभाग की थान से वर्ड हो सकता है विभागीकरण, डिपार्टमेंटेशन। ओके, ये जो सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन है, केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण, एक काम की वंड होंगी, अथॉरिटी की वंड होंगी, ध्यान रखियो। संस्था को वंडन में असं की कहने हैं? डिपार्टमेंटेशन। नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द रोल ऑफ एन ऑफिस मैनेजर इज अ डैश। दफ्तर प्रबंधक की भूमिका डैश होंगी है। डिफरेंट फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस, दफ्तर तो दफ्तर वक् वक् होंगी है। सेम एवरीवेयर, हरेक जगह तो एको जी होंगी है। सी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी दोनों, डी ऑप्शन इन है कोई भी नहीं। सोचो जरा, मेरे ख्याल तुम सोच चुके होंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस। हरेक मैनेजर सेम काम नहीं करता अलग अलग दफ्तर, हर दफ्तर टू दफ्तर वो जी भूमिका अलग अलग होंगी है। क्लीयर? नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मैकनाइजेशन मीनस, मशीनीकरण का मतलब की है? मेरे ख्याल तुम समझ चुके होंगे, मैं पहला भी दस चुके हैं। आज दी इस वीडियो दे विच वर्क डन बाय ह्यूमन बीइंग्स, मनुखां द्वारा किया गया काम उन्हें मैकेनाइजेशन कहते हैं। यूज ऑफ मशीन टू रिप्लेस ह्यूमन लेबर, मनुखी किरत को बदल के मशीनों की वरतों करनी शुरू कर देनी कि उसको मैकेनाइजेशन कहते हैं। टू डू मेंटल वर्क बाय मशीन, मशीनों द्वारा दिमागी या मानसिक काम करना। सी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, इन्हां चों कोई भी नहीं। राइट चॉइस सुनो, जो क्लोजेस्ट है इन्हों दे विचों, बेस्ट ऑप्शन की है स्टूडेंट? यस, राइट आंसर इज यूज ऑफ मशीन टू रिप्लेस ह्यूमन लेबर, मनुखी किरत को बदलने लिए मशीनों की वरतों करनी, उन्होंने मैकेनाइजेशन कहने या मशीनीकरण। नैक्सट क्वेश्चन 22। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑफिस फंक्शन, इन्होंने ऑफिस फंक्शन का पार्ट नहीं है? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, सबसिडरी फंक्शन। प्राइमरी काम जिन्होंने बेसिक काम कह सकते हैं असं, मुढ़ले काम, सेकेंडरी फंक्शन, सहायक काम, या इन्हां विचों कोई भी नहीं। इन्हां चों केड़ा ऑफिस फंक्शन का पार्ट नहीं है? क्वेश्चन समझ के, आंसर इज नन ऑफ द अबव क्योंकि ये सारे दे सारे ऑफिस फंक्शन दीआं टाइप्स ने, इस करके आंसर की बन रहा है नन ऑफ द अबव क्योंकि उन्हें पूछा सी केड़ा नहीं है। असीं कहांगे इन्हां चों कोई भी नहीं है, सारे दे सारे ऑफिस दे फंक्शन ने। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑक्यूपाइज, ऑफिस ऑक्यूपाइज विच प्लेस इन अ बिजनेस। दफ्तर किसी कारोबार विच केड़ी जगह रखता है? सेकेंडरी पोजीशन होंगी है, प्राइमरी पोजीशन होंगी है दफ्तर की, टेरिटरी पोजीशन होंगी है, नन ऑफ दीज। दसो जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है, दफ्तर की किसी बिजनेस दे विच की जगह होंगी है? आंसर इज प्राइमरी। यस, प्राइमरी पोजीशन रखता है दफ्तर है, जो सब तो महत्वपूर्ण मुढ़ली पोजीशन है दफ्तर की किसी भी बिजनेस दे विच, इस तो बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। मोटिवेशन इज वन ऑफ द डैश फंक्शन ऑफ, असी फंक्शन ऑफ ऑफिस करते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने असी यह दसना है कि मोटिवेशन, प्रेरणा देना, इन्हों चो कि फंक्शन चो एक है कि मोटिवेशन ऑर्गेनाइजिंग के अंडर आता है, ए बी स्टाफिंग के अंडर आता है, सी डायरैक्टिंग के अंडर आता है, डी प्लैनिंग के अंडर आता है। संगठित करना, स्टाफिंग करनी, निर्देशन करना, या योजनाबंदी च शामिल होंगे मोटिवेशन? मेरे ख्याल तुम जानते होंगे, आंसर इज डायरेक्टिंग। यस, जो असं किसी निर्देश देने ने, कुछ दसना भी एवं करो, तो मोटीवेट करना पैंता है। ये मेजर फंक्शन है मैनेजमेंट का भी, ऑफिस का भी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 25। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस विच इज द ऑफिस,
स्थान दे आधार से दफ्तर की है, विच इज द ऑफिस, ऑफिस की है, जिस स्थान दे आधार से असं दफ्तर की किस्मां दी गल करिए तां दफ्तर कहड़ा दफ्तर होंदा है वो, इज इट रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस और मोबाइल ऑफिस। सोचो जिसनों पता है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस दफ्तर दियां किहड़ियां दो टाइप्स ने, वो मेरे ख्याल इजीली आंसर जज कर चुका होगा। राइट आंसर इज स्टूडेंट्स मोबाइल ऑफिस, क्योंकि स्थान दे आधार ते दफ्तर नु दो हिस्सों च वंड के देख रहे हैं, वन इज मोबाइल, सेकंड इज फिक्स्ड। मोबाइल मोबाइल मतलब आ सेलफोन दी मैं गल नहीं कर रहा, जेड़ा मोबिलाइज्ड करता है, एक जगह तो दूसरी जगह ते जा सकता है, फिक्स्ड जेड़ा एक थां ते स्टेबल रहंदा है। सो जेड़ा स्थान दे आधार ते इन्हां चारां दे विचों जेड़ी ऑप्शन है वो केड़ी है, फिक्स्ड दा दित्ती नहीं गई, वो केड़ी है मोबाइल ऑफिस। मेरे ख्याल तुहाड़े सारयां दे मैक्सिमम आंसर ठीक होणगे, तुहाड़े जदों भी कदे एग्जाम होण इस टाइप दे जेड़े एमसीक्यू ने उन्हां नू देखो, इस चैनल ते बहुत सारियां वीडियोज़ ने, तुहाड़े बहुत सारे नंबर आए होणगे, अपने नंबर कैलकुलेट करो, मैसेज बॉक्स जाके मैक्स मैसेज दो किन्ने क्वेश्चन ठीक ने, जे किसी की क्वेरी है वो पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स इस चैनल ते होर बहुत सारियां वीडियोज़ ने उन्हां नू देखो, ते जानकारी हित चैनल नू लाइक ते शेयर करो, जेकर सब्सक्राइब नहीं किया होया पहला तो दोबारा सब्सक्राइब करो, तुहानू नवी वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत सारिया शुभकामनाएं नाल हमेशा होने वाले किसी भी टाइप के एग्जाम के लिए, थैंक यू वेरी मच।